केरला में निपा वायरस से 11 लोगों की मौत हो चुकी है और इसकी जद में आए 15 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इस बीच कई जिलों और राज्यों में निपा वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। केरल सरकार ने निपा वायरस की वजह से लोगों को राज्य के 4 जिलों कोझिकोड, मलप्पुरम, वायनाड और कन्नूर में नहीं जाने की सलाह दी है। इन जिलों में निपा वायरस के संक्रमण का खतरा सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। केरल के अलावा 4 अन्य राज्यों में भी निपा को लेकर एडवाइजरी और अलर्ट जारी किए गए हैं। इनमें जम्मू कश्मीर, गोवा, राजस्थान और तेलंगाना शामिल हैं। इनके अलावा नोएडा, फरीदाबाद और गुड़गांव के प्राइवेट अस्पतालों को कहा गया है कि अगर निपा वायरस से संक्रमित मरीज आए तो प्रशासन को फौरन अलर्ट जारी किया जाए। केरल में इस वायरस का प्रकोप पहली बार फैला है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश के बाद इसके कारणों का पता लगाने में एक टीम जुटी हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक इस वायरस का अभी तक वैक्सीन विकसित नहीं हुआ है। इलाज के नाम पर मरीजों को इंटेंसिव सपोर्ट केयर ही दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।